लाइफ ऑफ सिंचलपी में स्वागत है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम शानदार होंगे। आज था जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन, उसमें मैंने जो आउटफिट पहना था वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। और जन्माष्टमी में दही हांडी ने बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया था, दैट ऑल्सो आई विल सेंड टू यू। लेकिन आज का आप हमारा ये जो जो भी चलेगा वो दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि बालकनी के नीचे कितनी सारी शीप्स आई हैं, ये चराने के लिए लाए हैं शायद इसको, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी शीप्स पीछे घास में। ओह माय गॉड। और ये था फ्रेंड्स स्कूल का इवेंट जिसमें बच्चों ने किया था दही हांडी का डे केस। तो इन्होंने पिलर्स यानी कि पिरामिड बनाया था काफ़ी मेहनत के साथ बच्चों ने दही हांडी, और बहुत ही एक्साइटमेंट में ये लोग ऊपर चढ़ के हांडी को ब्रेक करेंगे। और हमें डर भी लग रहा था कहीं ये नीचे गिर ना जाए, बट अच्छे से कर लिया इन्होंने, बहुत ही अच्छे से इसको इन्होंने काम को अंजाम दिया। और सारे टीचर पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और ये हुई दही हांडी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अभी ब्रेक हो जाएगा पूरा। इसमें वाटर था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अच्छे से बच्चे ने किया है और उसने पूरा सामान निकाल दिया। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखना। सारे टीचर सपोर्ट कर रहे थे, गिर मत जाना, लेकिन वो आराम से उतर गए सारे बच्चे। और फिर उसके बाद जो बच्चों ने डांस किया है, मैंने भी किया था लेकिन उसमें शायद मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ। बच्चों ने बहुत मस्ती की, बहुत सारा डांस किया। और इवेंट वाले दिन हम उनको थोड़ी सी फ्रीडम भी दे देते हैं कि चलो डांस करो, अब आप घर की क्लिप्स देखिए। अरे क्या खेल रहे हो, इसमें नहीं डालो बेटा, आपकी बॉटल खराब हो जाएगी। ओके नहीं, ये बनेगा आज कतली। मावा तो कम रह गया है, जिसके लिए मैंने चीनी निकाल ली, नारियल में कद्दूकस कर रही हूँ। तो आज जन्माष्टमी पे बनेगी कतली। यहाँ पे बन रही है चाशनी। ये कढ़ाई पे मत जाओ, ये कढ़ाई ना बहुत चीज़ें बना बना के ऐसी हो गई है, मुझसे सही से साफ़ नहीं होती, तो मैंने इन्हीं आइटम्स के लिए बचा के रखी है कि इसमें यही सब करूँ। ट्राई कर रही हूँ मस्क मेलन या शायद ये वाटर मेलन के सीड्स हैं, इनको मैं इसमें डालूँगी। ये हैं मखाने, ये मस्क मेलन सीड्स और ये नारियल, ये सब इसमें जाएगा। डाल दिया मैंने अभी मावा, मावा डाल के इसका कलर हो गया ब्राउनिश। धीरे धीरे इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स। नारियल ये मैं भी झाड़ के डालती हूँ क्योंकि फोन पकड़ना और डालना हो नहीं पाता। तो ये बढ़िया वाली बर्फी के रेडी होंगे। पड़े थे ना उन प्लेट्स में मैं लगा लूंगी घी। इस घी से ना ये क्या होगा कि ये चिपकेंगे नहीं, जो बर्फी होंगी ना इस पर घी का लेयर एक बना लेते हैं। सेम ऐसे मैंने इस पर गूंथ लिया। ट्रेनिंग मेरी मम्मी ने बताया था कि एक बाउल में लो पानी और उसमें एक ड्रॉप डाल के देखो, अगर वो डायरेक्ट सॉलिड हो जाती है ना डलते ही, तो इसका मतलब वो जमने के लिए रेडी है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा फैल रहा है अभी, तो इसे अभी हम थोड़ा सा और गर्म करेंगे। ऐसे मैंने इनको प्लेट में फैला लिया, इसके जमने के बाद मैं इनको कट करूँगी। बनी है ना बढ़िया कतली एकदम जी। ये बर्फी बनके रेडी हैं दो थाल में। दिस इज यम्मी यम्मी एंड यम्मी। ला के रेडी कर दिया है, उनको भी भूख लगा दिया। मैंने शावर ले लिया, पूजा भी कर ली, और अभी है मेरे फलाहार का टाइम। आलू एंड दिस दही फॉर द फलाहार। पे मुझे मिला था ये बेस्ट टीचर का अवार्ड बुके मिला था, तो इसको मैंने ना टेबल पे रखा हुआ है। आप खा रहे हो? खा लो मेरे कान्हा जी, लिटिल कृष्णा। ने भगवान जी को जो प्रसाद बनाया था उसका लगा दिया है भोग, और पूजा भी हो गई है। आप सब दर्शन करिए, कृष्ण भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, इवनिंग का टाइम है, मैंने पूजा वूजा कर ली है। अपनी सोसाइटी के जो दही हांडी प्रोग्राम है यानी कि जन्माष्टमी प्रोग्राम है, उसमें जाने के लिए तो मैं जाती हूँ। वहाँ पर आपके लिए अच्छी अच्छी बढ़िया सी क्लिप्स लेती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ कैसे।
फ्रेंड्स थोड़ा सा पहुंचने में हमें लग गया था टाइम, और यहाँ पे जो दही हांडी का प्रोग्राम था वो लगभग स्टार्ट हो गया था, और दही हांडी शायद एक बार बच्चों ने फोड़ दी थी। सेकंड टाइम इधर ही फेस चीनू। और फ्रेंड्स एंड में आप ये मेरा आउटफिट देखिए, दही हांडी के प्रोग्राम वाले दिन मैंने ये पहना था, लाइट पिंक कलर का प्लाजो और सूट। ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पर कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। शिफॉन का है पूरा, और मैंने इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में पहनी थी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, और मेरी मोजड़ी भी थी पिंक। आप लोग बताइए कैसी थी।